हेलो दोस्तों, मैं शिशिर आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों शिशिर यूट्यूब वाला पे। दोस्तों तो केवीएस जैसा कि गोले पे गोले दाग रहा है, आज एक और गोला दाग दिया है उसने। तो गोला इन द सेंस मेरा कि एक नोटिफिकेशन आज केवीएस की तरफ से आई है, कि जो कि मुझे आपको इन्फॉर्म करना था सबसे पहले। तो आइए देखते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या लिखा है, मतलब केवीएस क्या चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है, कहाँ जाना चाह रहा है, क्या हो रहा है। एक प्रश्नवाचक चिन्ह बना के केवीएस ने सारी चीजों को एकदम कटघरे में डाल दिया है चीजों को। तो आइए देखते हैं दोस्तों, आज के डेट में केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से एक नोटिस जारी की गई है। आइए उस नोटिस में क्या देखते हैं, क्या लिखा है। ठीक, एज पर ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल सीएटी जोधपुर बेंच इन एमए नंबर 49/2023 इन द ओए नंबर 290/8/2023 द इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल अर्लियर शेड्यूल फ्रॉम 1 मई 2023 टू 27 जून 2023 स्टैंड पोस्टपोन टिल फर्दर ऑर्डर्स। ये देखिए ऑफिशियल वेबसाइट्स पे आपके आप जाके देख सकते हैं। तो भैया इसमें क्या कहा है कि केवीएस ने लिखा है कि हॉनरेबल कैट जोन है जोधपुर बेंच के, उन एक कोई एमए नंबर है कि ठीक है, तो कोई मामला है कोर्ट का, आई थिंक कोर्ट का मामला है ये। ठीक है, तो उसकी वजह से ये इंटरव्यू को, प्रिंसिपल का जो इंटरव्यू 1 मई 2023 से 27 जून 2023 को होने वाला था, ये पोस्टपोन कर दिया गया है फर्दर डेट्स के लिए। बाकी आप केवीएस की वेबसाइट्स पे जाके अपडेट लेते रहिए कि कब होना है कब नहीं होना है। वहां पे केवीएस या अपना नोटिफिकेशन इंटरव्यू की डेट जारी करेगा। आप परेशान मत होइए, कुछ अच्छा ही होने वाला है मुझे जहां तक लग रहा है। और बाकी केवीएस कुछ तो चाह रहा है, अब क्या चाह रहा है ये तो नहीं पता, बट कुछ तो चाह रहा है करना, क्योंकि इतनी गड़बड़ी हुई है, इतनी धांधली हुई है इसमें ना, कि केवीएस भी चाह रहा है कि नहीं सही लोग ही आए हमारे उसमें। ठीक है, ट्रू एंड फेयर व्यू में वो कराना चाहता है। जैसा कि मामला मुझे तो लग रहा है कि वही मामला तो नहीं, कि जिस बच्चे का से, ये तो प्रिंसिपल का इंटरव्यू है। ठीक है, कुछ तो मामला नहीं है, बाकी कोर्ट संज्ञान में लेगा चीजों को। और आई होप सो कि जो बच्चे मेहनत करके जाना चाह रहे हैं उन्हीं का सिलेक्शन हो, जो मेहनत बिना मेहनत किए जुगाड़ सिस्टम से अगर सिस्टम में घुसना चाह रहे हैं उनका कतई सिलेक्शन ना हो। क्योंकि कहीं मेहनत करने वाला बच्चा कई सालों से मेहनत कर रहा है और सिलेक्शन नहीं ले पा रहा है। ठीक है, तो मैं ऐसे बच्चों के लिए प्रे करना चाहता हूँ कि जो काबिल हैं, जिनके अंदर काबिलियत है, जो मेहनत कर रहे हैं, वो जरूर के लिए इसमें सिलेक्टेड हो। और ऐसे ही जुगाड़ सिस्टम वालों का खात्मा होता रहे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यही एक न्यूज इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको छोटी सी, जो कि केवीएस ने आज एक नोटिस के जरिए जारी किया था। और बाकी जो भी भाई बहन सीटेट यूपीटेट DSSSB बिहार टेट की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में एक ऑथेंटिक कंटेंट के साथ, मैं इसी यूट्यूब चैनल पे आपको सारी चीजें प्रिपरेशन कराना स्टार्ट कर दी है मैंने। और केवीएस इंटरव्यू की प्रिपरेशन जो भी भाई बहन कर रहे हैं, वो मैंने कलीबर प्लेलिस्ट बना दी है, वहां पे 60 से 65 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ मैं ऑलरेडी। आप वहां से जाके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए, यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे देनी थी। तब तक के लिए नमस्कार, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जहां भी रहिए आबाद रहिए। जय हिंद, जय भारत।